हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कि हम किसी गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसान है, ध्यान से देखो। आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जी, जिसका रेजिस्टेंस भी जी है। तो आपने क्या करना है, इसके पैरेलल में एक लो शंट रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, तो ये जो आपके पास बच्चों डिवाइस बनेगा, ये जो पूरा डिवाइस बनेगा आपके पास, इसको हम नाम देंगे एमीटर। ठीक है, सो दिस इज योर एमीटर। तो बहुत आसान है। तो मान लो एमीटर का टोटल करंट है आई, जो आपने निकालना है। ठीक है, और इसके अंदर कितना करंट चला गया बच्चों, आई जी। और ये करंट कितना हो गया, आई माइनस आई जी। अब पैरेलल में वोल्टेज बच्चों क्या रहती है, हमारे पास सेम रहती है। तो यानी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, आई जी इंटू जी, करंट इंटू रेजिस्टेंस। और ऊपर शंट के अक्रॉस कितना करंट है, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से आपके पास आई जी कैपिटल जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी। तो ये बच्चों आपके पास आ गया शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये शंट रेजिस्टेंस कैसे डिसाइड होगा कि कितना लगाना है, वो कैसे पता चलेगा बच्चों, वो पता चलेगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे एस इक्वल टू क्या है आपके पास, आई जी बाई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, ये वैल्यू आई ना आपके पास। अब मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं कि एक गैल्वेनोमीटर है जो 5 मिली एम्पेयर पे फुल डिफ्लेक्शन देता है। क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है जो 5 मिली एम्पेयर पे फुल डिफ्लेक्शन देता है, तो ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, आई जी की। और उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का 50 ओम। और आपको कहा गया है कि कन्वर्ट इनटू एम मीटर, कन्वर्ट इनटू एम मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पेयर, यानी जो 10 एम्पेयर का करंट नाप सके उस एम मीटर को बनाना है हमने। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनेगा। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लो। आई जी की वैल्यू दी हुई है बच्चों 5 मिली एम्पेयर, यानी 5 × 10 की पावर -3। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, 10 एम्पेयर वाले में। ठीक है, तो देखो बहुत ईजी है इसको करना। हम लोग वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो जब हम वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एस इज इक्वल टू आई जी की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻³। ठीक है, और जी कितना आपके पास, 50 डिवाइड बाय आई, आई कितना आपके पास, 10। अब 10 में से मैं 10³ माइनस करूं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आएगा 0.001 आएगा, तो नेग्लिजिबल है। तो हमारे पास ये आ गया, ऊपर बचेगा 25 × 10⁻¹, नीचे आ गया 10 यानी -2, यानी आंसर आ गया बच्चों आपके पास 0.25 ओम। तो बच्चों आप इसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मैं शंट में इतना रेजिस्टेंस लगा दूं पैरेलल में। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आते हैं। ओके।